हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा दसवीं का ब्लूप्रिंट आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कक्षा दसवीं का हिंदी और अंग्रेजी एक ही वीडियो में ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय कम है। 30% सिलेबस को हटा दिया गया है, लेकिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि कौन कौन से पार्ट को हटाया गया है। भाई, जो पार्ट को हटा दिया गया है उसको हमको पढ़ने से और उसके प्रश्न उत्तर को याद करने से कोई मतलब नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मान लो हम कोई भी पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है हमारे पाठ्यक्रम में, उसको हम पूरे को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको कोई मतलब बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आपके सामने देखिए पाठ्यक्रम है ना, छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के द्वारा दिया गया है पाठ्यक्रम को, और जो पाठ इसमें दिखाई दे रहा है आपको नाम, उसी बस को पढ़ना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि हमको सिर्फ इस पाठ के प्रश्नोत्तर को और जो आवेदन पत्र है, निबंध है, उसी बस को पढ़ना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 40% जो है कोर्स को हटाया गया है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया है दोस्तों, है ना। तो देखिए आपके, मैं दिखाते जाता हूँ, तो पहला पाठ है बादलों को घिरते देखा है, ये इसको आपको पढ़ना है। सेकेंड है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, इसके पाठ्य मतलब प्रश्नोत्तर गद्यांश पद्यांश को आपको पढ़ना है, ठीक है। पत्र लेखन यानी कि आवेदन पत्र जो हम लोग लिखते हैं, जैसे नगर पालिका निगम को साफ सफाई के लिए आवेदन लिखना है, ठीक है, TC निःशुल्क के लिए फीस माफ करने के लिए आवेदन पत्र होता है उसको पढ़ना है। चरित्र प्रमाण पत्र है, अपने दोस्तों को मित्र को बधाई पत्र लिखना है, ये सारे चीज़ है ना। समसामयिक मुद्दे, पाठ का नाम है अपनी अपनी बीमारी। सेकेंड पार्ट का नाम है जनतंत्र का जन्म, इसके प्रश्नोत्तर और गद्यांश पद्यांश ये दोनों को आपको पढ़ना है। इसके बाद है माटी वाली घिसा, इसमें से अपठित गद्यांश अभ्यास करना है, मतलब इसी पाठ में से नहीं, अलग से अपठित गद्यांश एक पाठ दिया रहेगा, है ना। मैं आप लोगों को एक मॉडल पेपर भी अभी इसके माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक। अमर शहीद वीर नारायण सिंह, गृह प्रवेश, छत्तीसगढ़ की लोक कथाएँ, है ना, इसमें पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है और निबंध लिखना है, जैसे दूरदर्शन का लाभ, खेलों का महत्व और विज्ञान के चमत्कार, कोरोना महामारी, ये सारे जो है निबंध है दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ भाषा व साहित्य, ये जिंदगी फेर चमक जाए, मरिया, जीवन की झरना, एक था पेड़ एक था ठूट, है ना। इसके बाद मध्यकालीन काव्य, मीराबाई मैं लेखक कैसे बना, जेब कतरा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें रस छंद अलंकार होता है, यानी कि कुछ व्याकरण है, व्याकरण वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, मात्र प्रश्नोत्तर अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका एक मॉडल पेपर देखिए आपके सामने, मैं दिखाऊंगा अभी, देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये हिंदी का ब्लूप्रिंट है, वो तो पार्ट का नाम था, यानी कि इस पार्ट का प्रश्नोत्तर को पढ़ना था आपको। अब यहाँ पर कितने नंबर का कौन सा आएगा उसको देख लीजिए, बादलों को घिरते देखा है और नंबर नर्मदा का उद्गम में से 8 नंबर का प्रश्न आएगा, 1 नंबर के 2 यानी कि खाली स्थान और सही विकल्प वाला, 2 अंक के 1 प्रश्न आएगा, देखिए ऊपर में लिखा है, 3 अंक के 1 भी प्रश्न नहीं, 4 अंक के 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके बाद अपनी अपनी बीमारी, जनतंत्र का जन्म में से फिर 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, 1 नंबर के 2 खाली स्थान और सही विकल्प आएगा, है ना, 2 नंबर के 1 प्रश्न आने हैं और 4 नंबर के 1 प्रश्न आने हैं। माटी वाली घिसा, है ना, इसमें से 3 नंबर का सही विकल्प खाली स्थान आएगा, 2 नंबर के 1 और 3 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो इसके आधार पर आप कौन से पार्ट से कितने नंबर का आना है उसके आधार पर आप प्रश्नों को जान सकते हैं कि ये वाला प्रश्न आ सकता है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वही वीर गाथा काल की विशेषता बताइए, भक्ति काल की विशेषता बताइए, है ना, ऐसा करके प्रश्न आता है दोस्तों। अपठित गद्यांश आएगा लास्ट में, पत्र लेखन आएगा, विज्ञान का चमत्कार है, और जो आपको TC वगैरह का बता रहा था वैसे टाइप का एक आवेदन पत्र आएगा, है ना। तो ये हो गया हिंदी का, इसके जस्ट बाद अपन अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं शुरू में ही बोला कि कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि इसको नोट कर सको, कौन से पार्ट से कितने नंबर का आना है पूरा लिखा हुआ है, या चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हो।
इसके बाद देखिए कौन से लेसन को हटा दिया गया है अंग्रेजी के, टोटल 15 लेसन, 5 इकाई में टोटल 15 लेसन है दोस्तों, जिसमें से 10 जो है पैसेज वाला है और 4 जो है, 5 जो है वो पोयम था। तो इसमें से बहुत सारे लेसन को, लगभग 6 से 7 लेसन को हटा दिया गया है ना। तो कौन कौन से लेसन को आपको पढ़ना है, प्रश्न उत्तर को याद करना है, उसको यहाँ से देखें। पहला पार्ट का नाम है पैट्रियोटिज्म और सेकेंड पार्ट का नाम है ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोस चिल्ड्रन। उसके बाद नाउन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब फ्रेशेस है और राइटिंग लेटर यानी कि पत्र लेखन, जैसे टीसी का है, अपने पिता को 500 रुपये मंगाने के लिए पत्र है, मित्र को बधाई पत्र है ना, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। शॉर्ट अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज शुरू में दिया रहेगा, उसको पढ़ के आपको उसके प्रश्न उत्तर को बनाना है, ठीक है, उसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। इसी प्रकार अनसीन पोयम दिया रहेगा, ठीक है, वो पोयम को पढ़ के आपको बनाना होगा। मैं यहाँ पर देखिए पैसेज का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने लगाया हूँ, है ना, उसको देखकर आप समझ जाएंगे। और एक छोटा सा पोयम कैसे पूछा जाता है, वो पोयम का कटिंग यहाँ पर लगा दिया हूँ, है ना, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड के लिए लगा है, ताकि आप उसको देखकर समझ सके, है ना, ठीक है, वही है अनसीन पैसेज। उसके बाद आता है पार्ट का नाम, बिल्कुल नोट कर लीजिए, जो पार्ट का नाम इसमें है वही आएगा, जो पार्ट का नाम इसमें नहीं है वो नहीं आएगा। नेवर नेवर नेक्स्ट पार्ट लेसन का नाम है, एक्सक्यूज एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज, ये लेसन का नाम है, दोनों को नोट कर लीजिए। अब ये पोयम भी हो सकता है दोस्तों, है ना, टेंस फॉर्म एक्सेप्ट ऑफ टेंस कंटिन्यूएशन परफेक्ट एक्सेप्ट राइटिंग पैराग्राफ, टेंस में वही 22 वगैरह आता है दोस्तों, है ना, ठीक है, उसी को बता रहा है, टेंस के बारे में पढ़ना है। राइटिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ राइटिंग आप जानते हैं, जैसे पिछले साल 2018 में आया था, पॉलीथीन बैग है, स्कूल के बारे में है, रेलवे स्टेशन के बारे में है, ए जर्नी के बारे में है, अपने पुस्तक के बारे में है, ठीक है, ये जो है इसी को पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ यानी कम शब्दों में लिखना। इसके बाद इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड एंड ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम ए चाइल्ड विथ ऑटिज्म। देखिए आप लोग के पास इंग्लिश का बुक होगा, उस बुक को सामने सभी लेसन का नाम दिया होगा, उसको ओपन कीजिए और इसमें जो लेसन लिखा है उसको टिक मार्क कर लीजिए कि हमको इसको, इसके प्रश्नोत्तर को अच्छे से याद करना है। देखिए प्रश्नोत्तर तो बता ही रहा हूँ, साथ में मैं जो पैसेज होता है अनसीन पैसेज वो भी आता है, उसको भी बता रहा हूँ साथ में ना, ठीक है। इसके बाद है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अबाउट में, ये लेसन का नाम है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद खालिस्तान, खालिस्तान वगैरह आता है, मस्ट है, आउट टू है, डेयर है, शुड है, शैल है, विल है, वुड है, ये खालिस्तान आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में 5 नंबर के लिए उसके लिए है ना। 5 नंबर का तो मैच द कालम आता है, मैं मॉडल पेपर भी देने वाला हूँ अभी, मॉडल पेपर से आप लोग पढ़िएगा जरूर। राइटिंग ऐसे वंडर ऑफ साइंस जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सबको पता है वो है, आप लोग सिर्फ वंडर ऑफ साइंस को रख लीजिए, वो 101% इस बार आएगा। उसके बाद है सुम्बस एडवेंचर, एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता। इसके बाद वही है नरेशन है, पेशी वाइस है, ठीक है। इसके बाद डैडी सिंटरिंग स्क्रिप्ट है ना, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइटिंग पैराग्राफ ऐसे, ये राइटिंग पैराग्राफ ऐसे या ये लेसन के अनुसार दिया है कि इसको बार बार बच्चों को प्रैक्टिस कराते रहना है। आप सोच रहे हैं कि इसकी हर जगह पर पैराग्राफ क्यों लिखा हुआ है, तो हर लेसन के बाद कुछ पैराग्राफ के लिए दिया रहता है, इसलिए उसमें लिखा हुआ है। आइए ब्लू प्रिंट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये इंग्लिश का ब्लू प्रिंट है ना, इसमें बोला गया है, देखिए शुरू में प्रॉस पैसेज सीन, सीन पैसेज यानी आपके पाठ्य पुस्तक से कोई एक पैसेज दिया रहेगा, पाठ दिया रहेगा, लेसन छोटा सा, उसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर को बनाना है ना, ठीक है। उसके बाद पोएट्री, एक पोयम दिया रहेगा है ना, उस पोयम को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें 8 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, नंबर सही दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यहाँ पर 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, 3 चौक 12 नंबर का प्रश्न आएगा है ना आपके टेक्स्ट बुक से। प्रॉस, प्रॉस पैसेज, अनसीन पैसेज, फिर से एक अनसीन पैसेज आएगा, 5 × 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये बाहर से एक लेसन दिया रहेगा, उसको पढ़कर बनाना है। पोयम अनसीन, एक अनसीन पोयम आएगा 5 नंबर के लिए, उसको पढ़कर आपको करना है।
ग्रामर, ग्रामर टोटल 15 नंबर का आएगा, जिसमें से एक 5 नंबर का मैच द कॉलम होता है और 10 नंबर का डुएज डायरेक्टेड होता है, जिसको अपन ग्रामर कहते हैं। राइटिंग लेटर जो है ना, लेटर और पैराग्राफ राइटिंग, ये जो है टोटल 8 नंबर के आएंगे, 4-4 नंबर के, ठीक है। राइटिंग नोटिस या पोस्टर, नोटिस या पोस्टर दोनों में से कोई एक आएगा 4 नंबर के लिए, ठीक है। ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग जो है 8 नंबर के लिए आएगा। तो ये टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाता है दोस्तों। बस इस ब्लू प्रिंट को शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, और इसी के आधार पर आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि आपका नंबर सही आ सके। धन्यवाद।